सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज ना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विल टॉक अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। महिलाओं की एक ये गंभीर समस्या रहती है, इट्स अ सीरियस कंडीशन इन फाउंड इन द फीमेल्स, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। आज बात करेंगे क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, डायग्नोसिस देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, यहाँ ना आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग, एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स हैं ना, आगे देखेंगे जो लक्षण रहते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID एंड IBS के साथ मिलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिस्टाइटिस के साथ मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, इन फाइब्रोमायल्जिया द सिमिलर सिम्टम्स आर फाउंड। नाउ दिस इज द रीज़न जिस वजह से ना ये मिसडायग्नोज्ड होता है नंबर ऑफ टाइम्स, या इट इज़ लेफ्ट अनट्रेटेड, और ये कई बार तो तब जाके डायग्नोज होता है जब लेडी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने जाती है, बिकॉज दिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी में दिक्कतें रहती हैं, और तब जाके डायग्नोज होता है कि द लेडी इज़ सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। आइए पहले ना बहुत सरल भाषा में जान लेते हैं व्हाट एंडोमेट्रियोसिस मीन्स, ये क्या होता है, क्या है। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, जो फीमेल्स में यूट्रस रहता है ना, उसकी जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर की लाइनिंग है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, राइट। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, क्या करता है एंडोमेट्रियम, हैज़ टू ग्रो, उसके जो सेल्स हैं ना वो ग्रो करते हैं, वो टूटते हैं, दे ब्रेक एंड दे ब्लीड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है। बट एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की, जिसको नॉर्मली अंदर ही ग्रो करना चाहिए, इट मूव्स आउट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू वन रीजन और द अदर, विल टॉक ऑफ दैट लेटर। तो जिस वजह से ना ये यूट्रस के बाहर जाके ग्रो करते हैं सेल्स, बाकी अपने फंक्शंस चालू रखते हैं, दे ग्रो, दे ब्रेक, दे ब्लीड, ठीक है। लेकिन अब ये ब्लीडिंग कहाँ जाएगी, देर इज़ नो वेयर टू गो, देर इज़ नो प्लेस टू गो, तो ये अंदर जमा हो जाता है, इट लीड टू इन्फ्लामेशन, इट विल लीड टू स्वेलिंग, सिवियर पेन, क्रैम्प्स पड़ते हैं, आगे सिम्टम्स बात करेंगे। नाउ दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस। इस वजह से ना अंदर स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है और लीजन्स बनने शुरू, जैसे ना अंदर जख्म हो गए हैं, इतना सिवियर पेनफुल कंडीशन रहता है, दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। आई होप इट्स क्लियर। दोस्तों, बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, ये जो लीजन्स हैं ना, ये इनकी लोकेशन पे के आधार पे दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस दैट इज फाउंड, राइट। द फर्स्ट इज द सुपरफिशियल पेरिटोनियल लीजन, ये जो पेरिटोनियम रहता है ना, द इनर लाइनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन, वहाँ ये लीजन्स पाए जाते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। सेकंड इज द एंडोमेट्रियोमा, ये ओवेरियन लीजन्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। दीज आर द डार्क फ्लूइड फिल्ड सिस्ट्स, जो कि चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, डीप इनटू द ओवरीज वहाँ पाए जाते हैं, सिम्टम्स फिर वहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड थर्ड इज द डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, नाउ दीज टाइप दे ग्रो इनसाइड द पेरिटोनियम, और ये ना और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बॉवल्स आर अफेक्टेड, द ब्लैडर इज ऑल्सो अफेक्टेड, दो दिस इज रेयर बट दिस इज अ वेरी रिस्की वन। दोस्तों, जैसे शुरू में कहा ना, इसके सिम्टम्स जो हैं वो अक्सर मिसमैच हो जाते हैं, सो सिम्टम्स समझने बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी व्हाट द सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले आई वुड से लाइक देयर इज अ पेन इन द बैक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, बैक पेन बहुत सीवियर रहता है। देन सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स में ना मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स वी कॉल इट, वेरी सीवियर पेन। फिर ड्यूरिंग मेंसेस जब फीमेल यूरिनेट करती है, डिफिकेट करती है ना, तो बहुत पेन रहता है, दर्द रहता है, एंड इवन ब्लड भी पाया जाता है इन यूरिन एंड स्टूल्स, राइट। देन देयर इज अनयूजुअल एंड हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हैवी रहता है। देन देर इज कैन बी डायरिया, कैन बी कॉन्स्टिपेशन, आई मीन द बॉवल मूवमेंट्स आर वेरी इरेगुलर, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। देन देर इज अ पेनफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स, फटीग बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा थकान रहती है, एंड इनफर्टिलिटी, यस एंडोमेट्रियोसिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। कॉज देखें दोस्तों, एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, क्या कारण रहता है क्यों एंडोमेट्रियोसिस होता है, दैट इज स्टिल अननोन, वो नहीं मालूम पड़ा।
लेकिन हाँ एक ये कारण हो सकता है कि जेनेटिक डिस्पोजिशन अगर है, फॉर एग्जांपल इफ़ द मॉम इज़ हैविंग एंडोमेट्रियोसिस, द सिस्टर इज़ हैविंग, तो खुद महिला में ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, राइट। कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों समझें, क्योंकि ना इसमें जो प्रमुख सिम्टम है, लक्षण है, लाइक देर बी पेन, वेरी सीवियर पेन एंड कंटिन्यूस पेन, राइट। नाउ दैट कैन अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फीमेल, वो उस पर मतलब इन सिम्टम्स पे उसकी लाइफ बहुत निर्भर कर जाती है। एट टाइम्स वो इतने ख्याल अंदर रहते हैं कि इट कैन लीड टू एंगजाइटी एंड डिप्रेशन सिम्टम्स एज वेल, ओके। एंड अनदर वेरी थिंग इज इनफर्टिलिटी, जैसे हम बात की ना, देर विल बी ट्रबल गेटिंग प्रेगनेंट। अगर इनफर्टिलिटी की केसेस देखें हम टोटल कुल मिला के, तो उसमें 40% जो है, 40% ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इसको डायग्नोज कैसे करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द पेल्विक एग्जामिनेशन, द फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रिंग्स आउट कि देर इज चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सेकेंडली द सीटी स्कैन ब्रिंग्स इट आउट, द एमआरआई स्कैन दैट इज देयर, और बायोप्सी। ये तो श्योरेस्ट टेक्निक है ऑफ डायग्नोसिस, राइट। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वेल फ्रेंड्स, द हार्ड फैक्ट टू डाइजेस्ट हियर इज देर इज नो क्योर एज सच, लेकिन हाँ सिम्टम्स को हम मैनेज कर पाते हैं इवन इन एलोपैथिक कंडीशन। इन इन एलोपैथी द पेशेंट इज गिवन हॉर्मोन्स, हॉर्मोन थेरेपी या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, दो पेन किलर्स, बट दे आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स। और थर्ड ऑप्शन इज द सर्जरी। इनफैक्ट अगर सिम्टम्स को ही मैनेज करना है देन वाई नॉट होम्योपैथी, है ना, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, यहाँ ना टू रिलीव द डिफिकल्ट सिम्टम्स, यह याद रखें, यू कैन टेक वार्म बाथ्स, यूज़ अ हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड ऑन योर लोअर बेली टू रिलीफ, है ना, आराम मिलेगा आपको। गर्म पानी की बोतल लेके अपने लोअर बेली पे रखें, है ना, उससे टकोर करें, हॉट फर्मेंटेशन हेल्प्स हियर। एंड थर्डली यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, फिजिकल एक्टिविटी अपनी कायम रखें, राइट। एंड देन अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन। आइए बहुत महत्वपूर्ण दवाओं की बात करेंगे यहाँ। एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड इनटू टू एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट, अगर एक्यूट कंडीशन है, अगर रिसेंटली डायग्नोस्ड है, बहुत सीवियर अटैक्स हो रहे हैं, उसकी बहुत कारगर 5 दवाओं की बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों एकोनाइट की, बहुत महत्वपूर्ण दवा, जहाँ सडन ऑनसेट रहता है सिम्टम्स का इन एक्यूट कंडीशन, जैसे मैंने बोला। तो इसमें भी ना द मेंसेस विल बी प्रोफ्यूस, बहुत ज़्यादा फ्लो रहेगा मेंसेस का, द ओवरीज आर कंजेस्टेड एंड पेनफुल, दर्द रहेगा ओवेरियन रीजन में, एंड देर आर शार्प शूटिंग पेन्स इन द यूटरस एज वेल। वहाँ एकोनाइट हम देंगे, रिपीटेडली दे सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज बेलाडोना। यहाँ ना द मेंसेस आर इंक्रीज्ड, दे आर ब्राइट रेड, दे आर टू प्रोफ्यूस, टू अर्ली एंड बैडली स्मेलिंग, यहाँ ये सिम्टम्स रहेंगे, बेलाडोना विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा बहुत बेहतरीन फीमेल रेमेडी दोस्तों, जहाँ ना पेन्स बहुत सिग्निफिकेंट है, वी कैन से दैट इज द गाइडिंग सिम्टम। इनफैक्ट द पेन, दिस इज शार्प पेन द ओवेरियन रीजन में रहती है, दैट एक्सटेंड जस्ट शूट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स लाइक इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द थाइज। द मेंसेस आर प्रोफ्यूज, दे आर डार्क, दे आर कोएगुलेटेड, दे आर ऑफेंसिव, राइट, विद बैक एक, वहाँ सिमिसिफिका जरूर काम करेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज पल्साटिला, अनदर वेरी प्रोमिनेंट फीमेल रेमेडी। इसमें ना मेंसेस दो दे आर सप्रेस्ड, बट दे आर थिक, दे आर डार्क, दे आर क्लॉटेड विद बैक एक एंड वेरी टायर्ड फीलिंग, पल्साटिला। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सेबाइना। इसमें भी ना दोस्तों द मेंसेस आर प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, और यूटरस में ना पेन्स बहुत ज़्यादा, यूटराइन पेन्स बहुत सीवियर रहती हैं, एंड द ब्लीडिंग इज पार्टली क्लॉटेड एज वेल, ठीक है, और इट गेट्स वर्स फ्रॉम लीस्ट मोशन, गाइडिंग सिम्टम फॉर सेबाइना। बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, कुल मिला के पाँचों दवाएँ बहुत अच्छी काम करती हैं विद रिस्पेक्टिव सिम्टम्स, ऑफकोर्स मैचिंग सिम्टम्स का आधार पर, और इन एक्यूट कंडीशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। आइए अगर ये समस्या पुरानी हो गई है, क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस हो गई है विद मोर सीवियर सिम्टम्स, तो कौन सी दवाएं काम करेंगी, लेट अस सी। यहाँ सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम की बात करेंगे दोस्तों। द मेंसेस आर टू प्रोफ्यूज, टू सून, बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, जल्दी आ जाते हैं, और बर्निंग रहता है ओवेरियन रीजन में, ना जलन महसूस होती है, एंड विद ग्रेट टायर्ड फीलिंग, बहुत ज़्यादा फटीग,
वहाँ आर्सेनिकल बन देंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ऑरम म्यूरैटिकम नेट्रोनेटम, ऑरम म्यूरनेट वी कॉल इट, है ना। तो इस केस में भी ना द यूट्रस इज वेरी हैवी, ऑलराइट, देयर इज अल्सरेशन फाउंड इन द वूम्ब, इन द नेक ऑफ द वूम्ब एंड वजाइना, वहाँ अल्सर्स देखे गए हैं। ओके, एंड द ओवरीज आर इंड्यूरेटेड, हार्डन्ड, बहुत ज़्यादा सख्त पाई गई हैं, ऑरम म्यूरनेट। अगली बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, कैल्केरिया खबाने का। इसमें द मेंसेस आर टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग, टू अर्ली, और ड्यूरिंग द मेंसेस ना कटिंग पेन रहती है यूट्रस में। दोस्तों लैकेसिस वहाँ काम करेगी जहाँ ना पेन को आराम मिलता है, द पेन इज रिलीव्ड बाय द फ्लो ऑफ ड्यूरिंग मेंसेस, राइट, और पर्टिकुलर द लेफ्ट ओवरी इज वेरी पेनफुल, स्वॉलन रहती है, इंड्यूरेटेड रहती है, सख्त है द लेफ्ट ओवरी, लैकेसिस। और अब ये जो फाइनल फिफ्थ रेमेडी है ना, दैट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस, द क्रॉनिक वंस, राइट, मेलकम सेल। दोस्तों देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्री इंपॉर्टेंट सिम्टम्स टू बी लुक्ड इनटू, देर विल बी प्रोलैप्सस यूट्राई, देर विल बी क्रॉनिक मेट्राइटिस, एंड देर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स। जहाँ ये तीन सिम्टम्स हैं, मेलकम सेल जरूर देंगे। एंड इसमें भी ना पेशेंट कंप्लेंस लाइक देर बी सेंसेशन ऑफ सोरनेस रहती है इन द हाइपोगैस्ट्रियम रीजन, द बिलो द नेवल। स्टार्ट द स्मॉल पोटेंसी, 30 पोटेंसी स्टार्ट करें। मेलकम सेल बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स देती है दोस्तों इन केस ऑफ क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों आज का टॉपिक ना थोड़ा हटके था, क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में ना द सिम्टम्स आर लाइकली टू गेट मिसमैच्ड, तो यहाँ इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, टॉक टू योर फिजिशियन, डिटेल में बात करें, हैव योर कंप्लीट डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर दवाओं का चयन किया जाएगा, द बेस्ट मेडिसिन दैट आर अवेलेबल टू अस इन होम्योपैथी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, ऐसे और बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस, अगर आपके मन में कुछ है, डाउट्स हैं, तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन सेंड फॉर मोर रिक्वेस्ट्स, दैट कैन बी टेकन एज अ सेपरेट वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस।